विधायक, सांसद या बड़ा नेता न बन पाने की पीड़ा से ग्रस्त राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव अब अपनी तमन्ना किसान आंदोलन के बहाने पूरी करने में जुटे हैं। राकेश टिकैत तो खैर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जब सत्ता की मलाई खाने का वक्त आया तब अरविंद केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को दूध में पड़ी मक्खी की तरह पार्टी से निकाल बाहर कर दिया। कई महीनों से नौटंकी करने के बाद जब बात बनती नहीं दिखी तो अब ये नेता मॉब लिंचिंग को जायज ठहराने लगे। राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिंचिंग को गलत नहीं माना। उनका कहना है कि ये तो क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया सिख दंगों के दौरान राजीव गांधी ने दी थी। तब उन्होंने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बने उसी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि जो हुआ वो गलत नहीं था, मैं उनको दोषी नहीं मानता। उनका कहना है कि पीट पीट कर मारना उनकी नजर में हत्या नहीं है। ये बातें किसान नेता ने दिल्ली के प्रेस क्लब में मीटिंग के दौरान कही। टिकैत ने कहा कि लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को दोषी मत समझो। उन्होंने केवल प्रदर्शनकारियों के ऊपर एसयूवी चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया, वह हत्या में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या करना केवल एक्शन का रिएक्शन था, कोई प्लानिंग नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में 15 अक्टूबर को पुतला दहन का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हिंसा का विरोध जताते हुए वह दशहरे के दिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाएंगे। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 26 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर पूरे देश में कलश यात्रा निकालेगा। इसके साथ ही 18 अक्टूबर को किसान संगठन 6 घंटे ट्रेन रोकेंगे। योगेंद्र यादव ने 18 अक्टूबर को रेल रोको का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांग है कि जल्द ही लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और उनके बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार पावरफुल लोगों को बचाने में जुटी हुई है। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलकर दोषियों ने डर का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसान नहीं डरेंगे। उन्होने लखीमपुर खीरी हिंसा को पूर्व नियोजित बताया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।